हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे कि हमें अपनी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, तीव्र गति अभ्यास, और इंग्लिश में स्पीड प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान देंगे और समझ लेंगे तो आपके 101% आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी, और वो आप पर डिपेंड करता है आप इन बातों को कितने अच्छे से समझते हो और अपनी लाइफ में इनको किस तरह से यूज करते हो। एक होता समझना और फिर उन पर अमल भी करना होता है। अगर आप इन पर अमल करोगे तो जब भी स्पीड बढ़ेगी, ना कि समझने से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट बनाए है, दिखने में बहुत ज़्यादा है ना, पर अगर आप इनको एक बार समझोगे, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे, तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल इजी पॉइंट लगेगे, और ये सोचेगी ये हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ये तो हमें पहले ही पता था। तो चलिए, शब्द रेखाएं, तो जो शब्द रेखाएं होते हैं वो आपको पता है, आउटलाइन को शब्द रेखा कहते हैं। तो कहीं तो लिख देखते हैं, आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन को शब्द रेखा कहते हैं। तो जब भी आप किसी शब्द रेखा को बनाते हो तो उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है ना, उसको समझो। ठीक है, उसको समझे कि आउटलाइन क्या है, ना कि उसको रटे। ठीक है ना, रटने वाली चीज भूली जा सकती है और समझने वाली चीज दूसरी आउटलाइन बनाने में भी आपकी हेल्प करेगी। मान लीजिए आपने किसी शब्द की आउटलाइन एक रट ली, दो रट ली, दस रट ली, तो वो आप वे दस ही रट पाओगे, है ना, और वो भी टाइम आने पर भूल जाओगे। अगर आप उस शब्द को समझ लेते हो तो उससे आने वाले जो शब्द है उनको समझ कर आप और भी आउटलाइन अपने तरीके से बना पाओगे। इसका सेकेंड पॉइंट क्या बनाया है कि साप और संविधानुसार जो भी आउटलाइन है आप उसको बनाते हैं तो साफ सुथरा लिखे, ना कि ऐसे ही कीड़े मकोड़े और जबरदस्ती की आउटलाइन ना बनाए। जो आउटलाइन नहीं जुड़ रही उनको ना जोड़े, जिनको जोड़ने में सुविधा होती है उन्हीं को जोड़े। तो इसीलिए इस पॉइंट का नाम दिया है साफ और संविधानुसार। कठिन शब्दों को संक्षिप्त में लिखे। अब बहुत से बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा संक्षिप्त शब्द क्या होते हैं, तो जिनको नहीं पता वे मेरी वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, तो उससे आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, डिफिकल्ट शब्द। तो आप इनको समझ, ये बात यहीं आ गई ना, पहले पॉइंट पर ही है शुरू से ही, कि इनको आप समझ लो। तो आप कठिन शब्दों को समझ लोगे तो उसकी आउटलाइन खुद ही बना पाओगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने एक शब्द लिखा, वैसे तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या रोकता हूँ। निशास्तिकरण, इनको संक्षिप्त शब्द कहते हैं। जो दिखने में कितना बड़ा है, अब बहुत से बच्चे जिनको ये शब्द नहीं पता हो, ये सोचेगा इसकी पहले न बनाएंगे, फिर स बनाएंगे, फिर स बनाएंगे, फिर त बनाएंगे, फिर र, फिर क, फिर र, फिर अण, है ना, कितना बड़ा हो गया। पर इसकी आउटलाइन क्या है, अब कमेंट करके अभी रोक के और बताओ आपको इसकी शब्द पता है क्या नहीं है। ये है इसकी, कोई बड़ी बात है नहीं ना। तो आप इनको समझो, अगर आप समझ लोगे तो आप कभी भी मार नहीं खा पाओगे। तो फिर शब्दों को ज्यादा ना जोड़े, तो बात वही आ गई। अब यहां कहा था ना साप और संविधानुसार, तो शब्दों को ज्यादा ना जोड़े, कि अगर जो शब्द नहीं जुड़ रहे तो उनके साथ जबरदस्ती ना करें, क्योंकि बाद में आपको वो पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, कठिनाई होगी। और फिर वही बात आ गई, अब शब्दों को ज्यादा बड़ा ना बनाए। अब इसको आप पूरा बना देते, न बना दिया, फिर स बना दिया, फिर स बना दिया, फिर त बना दिया, फिर र बना दिया, फिर क बना दिया, फिर र बना दिया, फिर न बना दिया, है ना। अगर आपको इसकी
याद नहीं हो तो ऐसे ही बनाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा सैकी व्रत का यूज कर लोगे आप, ये भी मान लेते, अनय का हुक यूज कर लोगे, रय का हुक यूज कर लोगे, पर लगाओगे कहाँ, है ना। तो इसलिए संक्षिप्त शब्द जरूर है याद करना और इनको समझो, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट से आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं डिक्टेशन की तरफ। डिक्टेशन, जब भी आप किसी डिक्टेशन को लिखते हैं तो उसको समझे, उसका टाइटल निकाल ले, है ना। तो आप उसको समझ लेंगे ना कि किस विषय पर बात हो रही है, तो आप उसको डिक्टेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। उसको फील करो कि जो है स्टोरी वो किस बेस पर है, क्या है। तो जिससे क्या होगा, आपका अगर कहीं शब्द रुक भी जाएगा, रह भी जाएगा बनाना, तो आप उसको अगर समझते हो तो उसको आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। और डिक्टेशन को ना लिखे और ना पढ़े, मतलब तो दोनों काम करने, आपको उसको लिखना भी है, ये नहीं कि उसको पढ़ पढ़ के छोड़ दिया, उसको लिखेगे नहीं, या फिर लिख लिख लिया, पढ़ पढ़ लिया, लिखेगे नहीं, उसको कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करो और उसको पढ़ो भी और लिखो भी, दोनों काम करो, इसमें आलकस नहीं करना आपको। कि और डिक्टेशन है जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, ठीक है ना, जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करे, और हो सके ना डिक्टेशन को पेन से लिखे, है ना। तो अगर आप शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी लाइट और डार्क करने में, है ना, जैसे ये है, सॉरी ये पेन नहीं चला ठीक से, ये गह है। तो आप स्टार्टिंग में आपको इसको समझ लोगे ना, हल्का और गहरा करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंसिल में क्या है, अगर आप स्पीड से लिख रहे हो और इसका पेंसिल का नाक टूट गया, आप दूसरी पेंसिल उठाओगे या वो करोगे, उसमें भी आपको पता ना, जो 1 सेकंड होती है ना, उसका भी कितना बड़ा भाग आपको बहुत ज्यादा मदद करता है स्पीड में, है ना। तो उसका भी आपको मिस नहीं करना है, इसलिए आप पेन से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपको शुरू में डिफिकल्टी होगी, पर आप जब शॉर्ट हैंड के टेस्ट तक जाओगे, जब तक आप पेन का अच्छे से यूज करना सीख पाओगे, है ना। तो फिर है लेक, छोटी सी बात है, लालच ना करे, इसका मतलब क्या है, इस 5वें पॉइंट का मतलब यही है। अभ्यास आशुलिपि की पुस्तक पर ही करें, और दूसरा इसमें साथ ही साथ है, पेज को 2 भाग में बांट ले। अब जैसे कि ये होती है नोटबुक होती है, आपको पता है ऐसे ही है, तो ये होती है, हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ये है इसका तरीका, ये है, इसको 2 भागों में बांट ले, इसको ऐसे 2 भागों में बांट ले, तो आपको इजी रहेगा लिखने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं, ये उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि इस विधायक पर आजकल जो बहस हुई है, उसमें एक तो ये हो गया, अब इसी को आप यहाँ लिखोगे छोटे से पे कि उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि इस विधायक पर आजकल जो बहस हुई है उसमें, देखो अब यहाँ आपको लिखना इजी रहेगा, क्योंकि आपका पूरा हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा, फिर यहाँ आओगे आप यहाँ की यहीं लिख पाओगे। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो 101% आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हिंदी या इंग्लिश, तो ये दोनों के लिए वीडियो है, ये स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, और फिर भी तो इस पे आपको जो व्याकरण है हिंदी वालों के लिए और ग्रामर,
बात दोनों की एक ही है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत बार क्या होता है, हम जैसे इसकी आउटलाइन बना ली, पर इसको हमको पता भी है ये शब्द क्या है, पर जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो हम निःशस्त्रीकरण को ही हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं संक्षिप्त अक्षर नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट शब्द होते हैं हिंदी में भी जो आप नहीं लिख पाओगे, इंग्लिश में भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो एक तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, है ना, और बुक पढ़े, जो भी आप जिसमें कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बना पाए। फिर अब बुनियादी और बेसिक, अब पता ही नहीं होगा बच्चों को बुनियादी का मतलब क्या होता है, हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो, पर आपको बुनियादी नहीं पता, आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक, बेसिक से आप समझ रहे होगे, है ना, तो जो आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आप स्पीड में नहीं चलना कि इस बुक को, छोटी सी बुक है या जो भी, एक पेज है दो पेज है, उसको जल्दी जल्दी करे बच्चे स्टार्टिंग में। मैंने बहुत बार देखा जैसे कि हम कह कह गए का वो करते हैं, तो ये सोचते हैं कह कह गए तो है, पर बाद में उनको उसी में डिफिकल्टी हो जाती है कि ये लाइट का है क्या गहरा गया है, इन्हीं में बिचल जाते हैं कि कौन सा कट रहा है, कौन सा सीधा है, कौन सा टेढ़ा है ना। तो इसी में तो आप ज़्यादा तगाजा ना करें, ज़्यादा स्पीड में ना भागें, आप हिंदी या इंग्लिश को बेसिक है ना, उसका कम से कम 2 बार बुक को कंप्लीट जरूर करें। फिर है वाक्यांश या फ्रेज, वाक्यांश का भी जरूर ध्यान रखें। वाक्यांश में क्या होगा, अगर आपका जैसे कि डिक्टेशन को समझ लिया आपने, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता रहेगा कौन सा आपका शब्द छूट गया, तो उसको पता रहेगा आपको कि वहाँ क्या आएगा, क्योंकि आप वाक्य को पूरा करने की आप में क्षमता है। और दूसरी बात, अब बहुत बार ये होता है कि कोई एक शब्द है, तो मैं सैंपल पे ये दिखा देता हूँ बुक पर, जैसे कि है निकट चिट्ठी और दृष्टि छुट्टी, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की आउटलाइन एक ही है, शब्द रेखा एक है, तो क्या करेंगे आप, आपने शब्द आया दृष्टि, दृष्टि का आपने पता है कि कट दा लाइन है, निकट के लिए टच दा लाइन है, और चिट्ठी के लिए भी यही है और छुट्टी के लिए भी यही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको वाक्यांश काम आएगा कि वाक्य में क्या कह रहा है, कि वो दृष्टि की बात कर रहा है कि वहां छुट्टी लेने की बात कर रहा है कोई, है ना। तो वाक्यांश का यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको करते हैं साइड में। तो इस टाइम पर आप ये भी नहीं कर सकते कि दृष्टि के लिए अलग बना लिया और छुट्टी के लिए अलग बना लिया, तो वहां पर वाक्य होगा ना, वो आपको पता करेगा कि ये क्या है ना। तो ये भी नहीं कर सकते ना कि इन दोनों की लाइन आउटलाइन अलग बना ले, जब एक ही है, आप एक ही पढ़ते आ रहे हो तो एक ही बनाओगे ना, तो उस टाइम पर वाक्य का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आशुलिपि शॉर्ट एंड को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।